आज मैं आपकी डिमांड को पूरा करते हुए एक बहुत ही हेल्दी सी चपाती की रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे कई सारे व्यूवर्स और हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने ये डिमांड की थी कि हेल्दी डिशेस आप इस पे अपलोड करिए, तो मैं आपकी डिमांड को पूरा करते हुए एक चपाती की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चपाती आप पहले इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है और खाने में बहुत टेस्टी है। आप इस चपाती को 3 से 4 चपाती खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये पाइल्स फेस्टुला और फिशर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए डाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी चपाती की रेसिपी लेके आई हूँ। ये फाइबर से भरपूर है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चपाती कैसे बनी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि चपाती कैसे बनी। ये देखिए, ये ओट्स है। ओट्स बहुत ही हेल्दी होता है, डाइजेस्टिव होता है, इसमें बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स भी होते हैं। ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देता। आप इसकी चपाती बना के खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगेगी। तो देखिए, हमने लिया है 1 कटोरी यहाँ पे ओट्स ले रहे हैं। तो ये ओट्स आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये शॉप पे भी बहुत ईजिली मिल जाता है। अब इसमें देखिए, बहुत ही हेल्दी सा इंग्रेडिएंट हम डालने जा रहे हैं जिससे हमारे डाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया होगा। ये है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। तो यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच हमने फ्लैक्स सीड उसको भून के यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लैक्स सीड को आप भून लीजिए, इसकी भी चपाती बनती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ्लैक्स सीड कितना ज़्यादा हेल्दी होता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसकी भी चपाती स्पेशल बनती है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन डालने से क्या होगा, पेट में गैस बिल्कुल नहीं बनेगी और हमारा डाइजेशन बिल्कुल इम्प्रूव होगा। और ये हम जब चपाती खाएंगे, इसके साथ जो भी खाना खाएंगे, यानी आपको खाना तो हेल्दी ही खाना है, ऐसा खाना खाना जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो जो भी खाएंगे वो बहुत ही ईजिली हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ये चपाती बहुत हेल्दी है। हमारे कई सारे व्यूवर्स ने हमें बताया, हमें बोला है स्पेशली कि आप हेल्दी हमारे लिए डाइट दीजिए, तो हम आपके लिए अच्छी सी चपाती की रेसिपी लाएं। आप इसे बनाइए और खाइए, फिर आप देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये देखिए, पिस जाता है बहुत आसानी से मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए बिल्कुल फाइन सा पाउडर हो गया है। तो इसे चालना नहीं है, यानी चाल के हम नहीं बनाएंगे। गेहूँ की जो आप रोटी खाते हैं उसे भी आपको चाल के नहीं बनाना होता है, उसका भी स्पेशल मेथड होता है। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खाना चाहते हैं तो किस तरह से खाएं। अब ये देखिए, मिक्सचर हमारा बन गया है। तो अब हम इसे जो डो लगाएंगे वो हम लगाएंगे गुनगुने पानी से, यानी पानी को आपको गर्मा लेना है। फिर आप गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसका डो लगाइएगा। एक साथ डाल देंगे, अगर ये गीला हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर से आटा बना के तैयार करना पड़ेगा। तो जैसे हम 1 कटोरी लिए हैं, इसमें आपकी 3 रोटी बहुत आराम से बन जाएगी। तो 1 कटोरी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाइए, जिससे ये मिक्सचर जो हम डो लगा रहे हैं आटे की तरह, तो इसको जो गूंथना है तो गीला ना होने पाए, इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम करके देखिए किस तरह से डो लगा रहे हैं। तो ये जो हम इसको आटे को इसमें गूंथ रहे हैं, तो इसमें अगर आप मेज़र करेंगे तो 1/4 कप यहाँ पर पानी मेरा लगा है। तो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप अंदाज से स्पून से या फिर ग्लास में ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आटा गूंथिए। अभी देखिए, आटा हमें कैसे गूंथना है। आटा हमें ना तो बहुत सॉफ्ट गूंथना है ना ही बहुत हार्ड, तो बीच का सेमी डो आप बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से गूंथ रहे हैं, इसी तरह से आप गूंथ लीजिए और इसको गूंथ के और फिर हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि गुनगुने पानी से हम इसको गूंथे हैं। तो जब सेट हो जाएगा तो रोटी हमारी बहुत ईजिली बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से गूंथ लिए हैं, ये ना तो बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। तो इसी तरह से आपको भी आटा गूंथना है, तो आप पानी को इसी तरह से धीरे धीरे ही करके आप डालिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, मैश कर दे रहे हैं, और फिर अभी इसको इकट्ठा करके और फिर इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए गूंथ गया, अभी हमारा आटा हो गया है तैयार। तो अब हम इस आटे को ढक के 5 मिनट के लिए किसी प्लेट से कवर करके रख देंगे और फिर 5 मिनट बाद हम इसे रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आटा बहुत ही बढ़िया होता है, ये इसकी रोटी आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, इसको हम ढक दे रहे हैं, 5 मिनट बाद हम इसको दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाना है। ये देखिए, 5 मिनट बाद आटे को हमने इसको देखिए खोल लिया, थोड़ा सा ही हार्ड हो गया है,
तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैश कर देंगे दोबारा से, जिससे सॉफ्ट हो जाए और रोटी ईजिली हमारी बन पाए। तो ऐसे हल्का सा देखिए इस तरह से पानी डाल के इसे अच्छे से मैश कर दे रहे हैं। तो दोबारा जब मैश कर देंगे तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी हमारी बहुत ही ईजिली बन जाएगी। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसे सॉफ्ट कर दे रहे हैं। तो आप अपने अंदाज से जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से आटे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी डो हमारा उतना ही बनना चाहिए जैसे हम रोटी आम रोटी बनाते हैं गेहूँ के आटे की, उसी तरह से आपको ये डो बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हम एक इस पे सरफेस पे चकले पे इस पे रख के इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। तो इसे मैश करने से हमारी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगी, मुलायम रहेगी। तो देखिए इस तरह से इसको मसल दे रहे हैं, फिर से दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसे मसल दीजिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। तब ये देखिए तैयार हो गया। तो अब चलिए हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम 3 रोटी बना के तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से देखिए अभी तो 2 बना है, अभी देखिए इसमें 3 रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से गोल गोल हम इस तरह से जैसे बनाते हैं टिक्की, उसी तरह से टिक्की बना लेंगे और सूखा आटा उस पर लगा के और तब हम रोटी बेलेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो देखिए इसमें हम सूखा आटा लगा ले रहे हैं, अब इस रोटी को हम बेलेंगे। तो रोटी जैसे आप बनाते हैं उतनी ही आप पतली मोटी बनाइए। बस ये आटा जो होता है इसको बेलने पर चारों तरफ से देखिए किस तरह से स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ये क्योंकि गेहूँ के आटे का नहीं है, ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है ये आटा, तो इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं है, यानी ग्लूटेन से हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, वेट बढ़ता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा ये रोटी है। इस रोटी से आप 1 हफ्ते में 2 से 3 किलो वेट अपना लूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ये रोटी है, तो आप इसे डेली यूज़ करिए। तेरे देखिए रोटी हमारी बेल गई। तो इस तरह से आप एक गोल सा बाउल ले लीजिए या कोई गोल सी थाली ले लीजिए, जितनी बड़ी रोटी आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बिल्कुल सा। ये देखिए कितना प्यारा सा रोटी हमारा बन के तैयार हो गया। तो आप इसे और पतला करना चाहते हैं तो हल्का हल्का सा इस तरह से बढ़ा लीजिए। बस एक तरफ आप पैन रखिए, तवा रख दीजिए, उस पर आप रोटी बनाइए। नॉर्मली जैसे रोटी बनाते हैं आप उसी तरह से रोटी बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही हेल्दी रोटी है। आप इसको खाएंगे तो जो पेशेंट हैं पाइल्स के और फेस्टुला के फिशर के, उनको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये रोटी आप 3 से 4 रोटी आराम से खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर आप इसे लंच में खाइए या फिर आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह दूसरी रोटी भी बना रहे हैं और इसके जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं ना उससे तीसरी रोटी भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से 2 रोटी सिंपल बना ले रहे हैं। अगर आप इसमें हल्का सा घी लगाना चाहते हैं तो घी तो आपको खाने में नुकसान करेगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमने आपको एक रेमेडी भी बताई है कि गर्म गुनगुने दूध में अगर आप 1 चम्मच देसी गाय का जो घी होता है, आपको ऐसे घी मार्केट वाली नहीं लेनी है, अगर देसी गाय का घी आपको मिलता है प्योर घी, तो आप उसमें 1/2 चम्मच से रात के टाइम गुनगुने दूध में देसी गाय का जो घी होता है उसे आप डाल के पीजिए, तो बहुत ही कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है। ये देखिए इस तरह से फुला रहे हैं रोटी, आप देखिए कितना बढ़िया से फूल जा रही है, फूलती भी है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रोटी बन के तैयार होती है। जब आप इसे खाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही स्मूथ रोटी रहती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है और पेट में बिल्कुल हैवी नहीं लगती है। इससे आप खाएंगे तो आपका पेट भी भरा भरा लगेगा और आप 3 से 4 रोटी आप इसे खा सकते हैं। मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप इस तरह बनाइए, तो 2 रोटी खाइए, उसके साथ दही खाइए और फाइबर वाली सब्जी खाइए, फ्रूट्स लीजिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लंच में अगर आप खा रहे हैं तो 2 से 3 इस तरह से चपाती यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा चावल आप खाइए, चावल बिल्कुल अगर वाइट वाला खा रहे हैं तो आप उसकी स्टार्च को बिल्कुल निकाल के तब यूज़ किया करिए। और सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्च मसाले आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। और सैलड आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, गाजर है, चुकंदर उसमें ऐड कर लीजिए, प्याज है, नींबू है, पत्ता गोभी है, मूली है, ये सारे डाल के 1 प्लेट आपको सैलड खाना है। तो आप लंच में खा रहे हैं, डिनर में खा रहे हैं, तो उसके पहले आप सैलड ज़रूर खाया करिए और फिर आप इस रोटी के साथ आप खाइए। अगर कुछ दिन आप इस डाइट को आप फॉलो करेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और जो कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा, आपके स्टूल्स स्मूथली पास आउट होंगे, तो आपकी जो बीमारी है ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमने आपको डाइट चार्ट भी दिया है, उसके साथ साथ उपाय भी बताए हैं। ये देखिए तीसरी रोटी जो हम बना रहे हैं, आप इसमें हल्का सा घी, बहुत हल्का सा आप घी इसमें लगा के ऐसे हल्का सा स्प्रेड करके लगाइए, बहुत ज़्यादा घी चुबोड़ के नहीं आपको खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी नुकसान करता है आपको। देसी गाय का घी है तो बहुत हल्का हल्का इस तरह से आप लगा सकते हैं। दाल में बहुत हल्की सी घी आप यूज़ करिए, बहुत हल्की सी। ये देखिए तो जैसे थोड़ा सा टेस्ट आपको अच्छा लगे, आप इजली खा सकें।
तो बस आपको घी ही अप्लाई करना है, तेल आपको बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना है। तेल बहुत नुकसान करता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत हल्का सा इस तरह से ड्रॉप्स में डाल के आप इसे यूज़ करिए। ये देखिए बहुत ही हेल्दी है चपाती है, इसमें अजवाइन भी है, हमने जो फ्लैक्स सीड डाला है उससे रोटी की जो क्वालिटी है बहुत बढ़ गई है। देखिए इस तरह से एक कटोरी दही ले लीजिए, उसमें हाफ स्पून डाल दीजिए भुना हुआ जीरा और इसमें थोड़ा सा काला नमक। बहुत टेस्टी ये दही बनके तैयार हो जाएगी और इस दही के साथ आप इस रोटी को इंजॉय करिए। आप लंच में, ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, डिनर में खा रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको आपको एक बार बना के और खा के देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मैं आगे आपको ऐसी बहुत ही हेल्दी हेल्दी सी आपके लिए रेसिपीज़ लेके आऊँगी, जिसे आपके ब्रेकफास्ट में, आपके लंच में और आपके डिनर में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये देखिए आज हमने आपके साथ चपाती की रेसिपी शेयर की है। आज नेक्स्ट वीडियो हम आपको और बताएंगे जो और भी कई तरह से चपाती हम बना के खा सकते हैं, जिसे आप चेंज करके चपाती अदल बदल के बना के खाया करिए। आप इस तरह से हेल्दी डाइट खाएंगे तो आप बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे और आपकी बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बीमारी जो होती है वो धीरे धीरे ही ख़त्म होती है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हेल्दी डाइट के साथ अपनी जीवन शैली को चेंज करना है। अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए और खाइए और थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर किया करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमारी मोटिवेशन का काम करते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।